जी हाँ, प्रवासी मजदूरों से भरी बस और ट्रक में जोरदार टक्कर में एक दर्जन से अधिक प्रवासी मजदूर घायल हुए। हादसा शहर से सटे टाटिया नगर बाईपास चौराहे पर हुआ है। इसने की खबर पर डीएमसी इंदुमती और एसपी शिवहरि मीणा मौके पर पहुंच गए हैं। घायल प्रवासी मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें दो मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रेनिंग सब करके शेल्टर होम पे पहुंचवाया गया था, कादीपुर के शेल्टर होम पर। वो पहुंचवा कर उनका मेडिकल स्क्रीनिंग फिनिश करके उनका जो राशन की जो व्यवस्था होना है, किट वगैरह उपलब्ध करा के लाइन लिस्टिंग करके उनको अपने अपने घर पर पहुंचवाने की व्यवस्था की गई थी। तो रास्ते में ट्रक और बस आपस में एक्सीडेंट होने के वजह से लगभग 25 लोग निकल गए थे। वो जो लाइन लिस्टिंग सूची हमको प्राप्त होने के बाद एग्जैक्ट संख्या हम आपको बता पाएंगे। अब मौके पे जो देख के आए थे उसमें लगभग 25 लोग उस बस पे ट्रैवल कर रहे थे। 18 लोगों को यहाँ एडमिट किया गया है और बाकी 4 लोग वहाँ से निकल रहे आ रहे हैं, उनको भी एम्बुलेंस की व्यवस्था हमने कर पाया। अब जो 18 लोग जिसको एडमिट किया गया है उसमें 2 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, तत्काल उनको हम लखनऊ में रेफर करने के लिए बताया है। बाकी और 2 लोग भी सीरियसली इंजोर्ड हैं, पर उनको यहाँ रख के इलाज हम कर सकते हैं। बाकी लोगों को छोटे छोटे स्क्रैच, माइनर इंजरीज है, स्क्रैचेस है, और पूरा जो सीएमएस से लेके सारे डॉक्टर सब यहाँ उपस्थित है। तो फर्स्ट एड जो देना है वो सब दे दिया जा रहा है, एंड जिसको इमीडिएटली रेफर करना उनका रेफरल अब बनाया जा रहा है। किस जिले के रहने वाले थे? ये हमारे मुंबई से जो आए हुए जो श्रमिक हैं हमारे, ये सब सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। शेल्टर होम से उनको अपने अपने घर पर हम लोग पहुंचवा रहे थे। कुछ करौंदी कला के हैं, कुछ कादीपुर के हैं, तो बस पे बिठा के सबको अपने अपने जगह हम पहुंचवाते हैं। सब सुल्तानपुर के हैं, ठीक है।